हेलो 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 फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि बढ़िया ही होगे। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं ट्राइलोबाइट के बारे में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ट्राइलोबाइट, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जाम गेट एंड जीएसआई से बहुत बार पूछ चुका है। तो डेफिनेटली चलिए दोस्तों इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम पहले स्टडी करते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा ट्राइलोबाइट जो कि एक इंपॉर्टेंट मेराइन फॉसिल है, वो कौन सा, उसका फाइलम क्या है दोस्तों, आंथ्रोपोडा। ओके, उसका फाइलम आंथ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है। अगर इसका वर्ड को हम डिवाइड करते, एक होता है आंथ्रो, एक होता है पोडा, तो इसका मतलब क्या है। आंथ्रो का मीन्स दोस्तों है ज्वाइंट, ओके, पोडा का मीन्स होता है फूट। तो डेफिनेटली ये जो आंथ्रोपोडा है इसमें क्या होता है कि टोटली जॉइंटेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। एक ये स्ट्रक्चर सेफालन एक है, एक दूसरा वाला ये जॉइंटेड हो चुका है, मैं बाद में इसके कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा। और ये देखिए ये टोटली जॉइंटेड है इसके। ओके, अगर आप वर्टिकली देखेंगे, इस सेक्शन में देखेंगे तो डेफिनेटली आपको एक तीनों सेक्शन देखने को मिलेगा। अगर आप लेटरली भी देखेंगे, हॉरिजॉन्टली भी देखेंगे, देखिए आपको ये एक जॉइंटेड स्ट्रक्चर है, ये दूसरा जॉइंटेड है, ये तीसरा जॉइंटेड है, तो ये टोटली एक जॉइंटेड फॉसिल है। ओके, उसके साथ एक मतलब पोडा मीन्स फूट। ओके, तो इसके लिए इसका नाम हो गया ट्राइलोबाइट। आंथ्रोपोडा से तीन जॉइंटेड स्ट्रक्चर है, ओके, 1 2 3, तो इसीलिए इसको हम ट्राइलोबाइट बोलते हैं क्योंकि ये तीन बार जॉइंटेड हो चुका है। ओके, ट्राई लो बाइट, ट्राई मींस थ्री, लो मींस तीन सेक्शन को समझाता है। ओके, यही है दोस्तों ट्राइलोबाइट। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ट्राइलोबाइट का अगर इंपॉर्टेंट है कि ये सब क्लास, इसका अगर हमने फाइलम तो स्टडी कर लिया, सब क्लास क्या है दोस्तों, सब क्लास उसका ट्राइलोबीटा क्लास से आता है, ट्राइलोबीटा। ओके, ट्राइलोबीटा क्लास से ये बिलोंग करता है डेफिनेटली दोस्तों। इसका जो बॉडी है, इसका अगर बॉडी को हम स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे तीन सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। बॉडी कैसे स्टडी करेंगे, देखिए आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अगर वर्टिकली हम इसे डिवाइड करेंगे तो आपको तीन सेक्शन देखने को मिलेगा। सेक्शन 1 यहाँ से यहाँ तक, सेक्शन 2 यहाँ से यहाँ तक, और सेक्शन 3 टेल वाला पोर्शन। ओके, तो ये तीन भागों में लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्स भी तीन भागों में डिवाइड हो चुका है। अगर ट्रांसवर्स देखेंगे, यहाँ से ये एक सेक्शन है डिवाइड हो चुका है, यहाँ से ये एक सेक्शन है डिवाइड हो चुका है, यहाँ पे ये सेक्शन, तो ये 1 2 3। अगर हॉरिजॉन्टली भी आप देखेंगे तो तीन भागों में ये डिवाइड है, एंड अगर वर्टिकली भी आप देखेंगे तो 1 2 3, सॉरी ये तीन भागों में ये डिवाइड है दोस्तों। तो ट्राइलोबाइट इसीलिए ये तीन भागों में जो डिवाइड है, इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी। तो ट्राइलोबाइट इज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी। ओके, सो ट्राइलोबाइट इज व्हाट, इट इज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी, और इसका दूसरा भी नाम है ट्राइलोबाइसन बॉडी दोस्तों। ओके, ट्राइलोबाइसन, ट्रिप्लोब्लास्टिक और ट्राइलोबाइसन, ओके, बॉडी। क्यों इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे तीन ही सेक्शन के बारे में आपको स्टडी करने के लिए मौका मिल जाएगा। तीन मतलब एक नंबर ये उसका हेड वाला, ये टोटल बॉडी वाला पार्ट, ओके, ये दोस्तों उसका टेल वाला पार्ट। तो इसका जो हेड को हम क्या बोलते हैं, सेफालोन। इसका बीच वाला पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, थोराक्स। इसका नीचे वाला पोर्शन जो टेल वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, पिजिडियम। ओके, ये है पिजिडियम, ये है थोराक्स, और ये है क्या, सेफालोन। ओके, आप अभी देखिए इस फॉसिल को डेफिनेटली हम बीच से डिवाइड कर सकते हैं। यहां पे अगर एक बस यहां से एक हम अगर एक लाइन खींच लेते हैं तो ये वाला पोर्शन जो भी है, ये वाला पोर्शन सेम ही दिखेगा आपको। मतलब कि इसको हम इसीलिए बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। मतलब लेफ्ट में अगर, जैसे कि इंसान में अगर इंसान को हम देखेंगे, ओके, इंसान को हम देखेंगे तो डेफिनेटली इंसान कैसा दिखता है, ऐसा। इसका यहाँ पे एक आंख, यहाँ पे एक आंख, यहाँ पे एक मुंह, ओके, यहाँ पे नाक। तो इसको हम यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो ये वाला जैसा दिखेगा ये वाला, तो इसीलिए इसको सिमेट्री तो है यहाँ पे, ये और ये सेम दिखते हैं यहाँ पे अगर मिरर प्लेन दे दे तो ये सिमेट्री कैसा सिमेट्री है, इसको हम बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे देखिए अगर हम एक लाइन खींचेंगे तो डेफिनेटली ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बहुत ही सिमिलरिटी दिखेगा। तो
इसीलिए इसको हम बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो दिस इज ए और ट्राइलोबाइट शो बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। ओके, तो इसमें थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक ही पॉइंट है दोस्तों। एक दो तीन, ये तीन पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ओके, तो अब हम देखते हैं इसके डिटेल्स। ये दोस्तों एक एक्सक्लूसिवली मेराइन फॉसिल है, ट्राइलोबाइट इज एक्सक्लूसिवली मेराइन, एक्सक्लूसिवली मेराइन। ओके, ट्राइलोबाइट इज व्हाट? एक्सक्लूसिवली मेराइन फॉसिल। ओके, ये क्या दिखाता है आपको? दूसरा पॉइंट बोलता हूं कि बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। ओके, देन नेक्स्ट, ये दोस्तों इसका एज रेंज कहां से कहां तक है? दोस्तों कैम्ब्रियन से ये फॉसिल स्टार्ट हुआ था। ओके, कैम्ब्रियन से कहां से एंड हुआ? परमियन तक, परमियन। कैम्ब्रियन मतलब हमारा पालियोजोइक, टोटल ये पालियोजोइक को ये मतलब कि क्लासिफाई करता है, पालियोजोइक का ये इंडेक्स फॉसिल है दोस्तों। ओके, पालियोजोइक, इंडेक्स फॉसिल ऑफ पालियोजोइक। ओके, कि क्या ट्राइलोबाइट कहां पे मिलता है? कैम्ब्रियन से स्टार्ट हुआ था, लोअर कैम्ब्रियन से एंड हो गया लेट परमियन। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारा गोंडवाना लैंड और हमारा लाउरेशिया लैंड डिवाइड मतलब कि सेपरेट हो रहे थे, वहां पे बहुत सारे जियोलॉजी टेक्टोनिक एक्टिविटी कॉम्बाइनली चल रहा था अर्थ के सरफेस पे, तो इसी के वजह से बहुत सारे फॉसिल वहां पे डिस्ट्रॉय हो गए थे, इनमें ट्राइलोबिटा भी एक था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां पे क्या होता है कि ट्राइलोबाइट में टू फोरो होते हैं। फोरो क्या है दोस्तों? फोरो कहां पे होता है? थोराक्स पे, ये वाला पार्ट उस टाइम बताया था कि थोराक्स बोला जाता है, थोराक्स। ओके, एक एक करके हम सेफेलॉन के बारे में समझेंगे, थोराक्स के बारे में समझेंगे। ओके, इसको बोलते हैं क्या दोस्तों? थोराक्स, और ये वाला को पिजिडियम, पिजिडियम। सेफेलॉन का ये थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसीलिए हम थोराक्स से ही स्टार्ट कर रहे हैं। थोराक्स में क्या होता है, देखिए थोराक्स तीन भागों में डिवाइड हुआ है। तीन भागों, कौन सा वाला? ये वाला, दो वाला, ये तीन। ओके, तीन भागों में डिवाइड हुआ है। यहां पे ये जो छोटा सा एक डिप्रेशन आपको नजर आ रहा है, देखिए ये एक सेंट्रल एक्सिस है, इसको हम सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं थोराक्स का, सेंट्रल एक्सिस। ओके, ये दोस्तों हमारा सेंट्रल एक्सिस जहां पे एंड हो रहा है, कहां पे एंड हो रहा है? सेंट्रल एक्सिस के साथ इसको जो ये जो पूरा स्ट्रक्चर को हम सेंट्रल लोब बोलते हैं। ओके, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? लोब। क्या लोब? सेंट्रल, सेंट्रल लोब दोस्तों इसको बोला जाता है। ओके, सेंट्रल लोब कहां पे एंड होता है दोस्तों? इसी जगह पे। सेंट्रल लोब कहां पे एंड होता है? ये देखिए एक छोटा सा डिप्रेशन। ओके, यही है जहां पे सेंट्रल लोब, यहां पे, यहां तक सेंट्रल लोब जहां पे खत्म हो रहा है, यहां पे एक छोटा सा डिप्रेशन ही है ना, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो। ओके, ये देखिए दोस्तों आपको यहां पे एक डिप्रेशन नजर आ जाएगा। ओके, तो ये वाला, और दो डिप्रेशन है यहां पे, एक यहां पे है और दूसरा यहां पे है, तो डेफिनेटली ये दो जो लाइन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फोरो, एफ यू आर आर ओ। तो क्या क्या हमने थोराक्स में सीखा? एक थोराक्स तीन भागों में डिवाइड है, पहला वाला को बोलते हैं कि सेंट्रल लोब, जहां पे सेंट्रल एक्सिस पास किया है। ओके, उसके साइड में जो छोटा छोटा डिप्रेशन है उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फोरो, एफ यू आर आर ओ डब्ल्यू एस। ओके, फोरोस, क्योंकि दो है ना। ओके, तो ये टोटल जो सेफालोपोड है उसका जो मेन पार्ट और हेड पार्ट एक सेफालिक सील्ड के साथ ये दोस्तों मतलब कवर है। ओके, तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो आगे ये जो मतलब बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो यहां पे पहला पार्ट क्या होता है? हेड पार्ट, जिसको आप सेफालन बोलते हैं। ओके, दूसरा भाग हम थोराक्स, जिसको हम बॉडी वाला पार्ट बोलते हैं, बॉडी जहां पे आप मूव कर सकते हैं। ओके, बायलेटरल सिमेट्री। ओके, तीसरा पार्ट है पीजीडियम, जिसको हम टेल वाला पार्ट बोल सकते हैं। ओके, लेकिन ये वर्ड आप इस्तेमाल मत कीजिएगा ट्राइलोबाइट में, ये वर्ड ही यहाँ पे काम आता है, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैं जस्ट बोल रहा हूँ। ये मेन बॉडी पार्ट, ये हेड वाला पार्ट है सेफालन, और ये पीजीडियम टेल वाला छोटा जो पीछे में होता है उसको ही बोलते हैं।
ओके देन नेक्स्ट क्या आपको समझना है दोस्तों कि यहाँ पे एंटीरियर साइड एंड पोस्टीरियर साइड कौन सा है। एंटीरियर साइड मतलब आप समझ लीजिए कि आपका किस तरफ मुंह है। एक दोस्तों इंसान है ओके वो ऐसे सोता है, यहाँ पे इसका पेट है, ये उसका आँख, ये उसका मुंह, ऐसे दोस्तों सोता है ओके। तो ये वाला जो पोर्शन है, जो सामने वाला पोर्शन है, ये अपर्चरल साइड है और सामने वाला जो पोर्शन है उसको हम वेंट्रल बोला जाता है और पीछे वाला जो पोर्शन है डोर्सल, ये सामने वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं दोस्तों वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड। और जो पीठ वाला पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों डोर्सल, डोर्सल। ये थोड़ा याद रखिएगा। तो ये ट्राइलोबाइड का जो सामने से देख रहे हैं ये दोस्तों उसका वेंट्रल साइड होगा क्योंकि नीचे तो सोता है, उसका पेट वाला पार्ट तो नीचे की तरफ है ना, ये दोस्तों वेंट्रल पार्ट है और नीचे डोर्सल पार्ट है ओके। तो जो अपर्चर साइड है वो जनरली डोर्सल पार्ट पे ही प्रेजेंट रहता है। डोर्सल पार्ट मतलब उसका मुंह के मुंह जहां पे है। तो यहां पे आपको अगर ट्राइलोबाइड दिखाऊं तो ये देखिए इसका अपर्चर पार्ट और यहां पे उसका जो मतलब कि पीछे वाला पार्ट यही है क्योंकि ट्राइलोबाइड का सामना वाला पार्ट उसके तरफ, जो कि अभी आपको यहाँ पे अपर्चर तो नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन ये अपर्चर साइड है ओके। तो ये जो मार्जिन है दोस्तों इसको अपर्चुरल मार्जिन हम बोलते हैं, अपर्चुरल मार्जिन ओके। एपीईआर अपर्चुरल मार्जिन ओके। और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं पोस्टेरियर मार्जिन ओके। पोस्टेरियर मार्जिन मतलब कि आपका जस्ट मुंह के पीछे वाला जो नेक होगा, नेक वाला जो मार्जिन हेड का पीछे, तो इसको हम पोस्टेरियर मार्जिन बोलते हैं। पोस्टेरियर इस साइड को पोस्टेरियर साइड बोलते हैं, पोस्टेरियर ये यहाँ पे पोस्टेरियर एंड हो रहा है, पोस्टेरियर मार्जिन बोला जाता है। आपको पोस्टेरियर मार्जिन पोस्टेरियर पार्ट यहाँ पे ज्यादा से अच्छा से दिख रहा है, अपर्चुरल साइड इतना अच्छा से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट को हम अपर्चुरल मार्जिन हम बोलते हैं ओके। तो इसमें थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ये तो आपका डिप्रेशन जो है इसको हम क्या बोलते थे उस टाइम, फोरो, ये थोड़ा याद रखिएगा। और ये सेंट्रल लोब है और ये क्या कौन सा लोब है, ये लेटरल लोब है ओके। धीरे धीरे हम एक एक करके हम स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे फिर बढ़ते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि एक ये एक नेक है, आपको यहां पे पिक्चर दिखाना चाहूंगा कि देखिए, ये देखिए दोस्तों ये वाला, ये जो हेड थोराक्स के साथ, ये इसको क्या बोलते हैं थोराक्स, ये हेड है एक दोस्तों, एक सेगमेंट में ये लगा हुआ है जो कि पोस्टेरियर मार्जिन पे, ये लास्ट पार्ट ऑफ दिस पोस्टेरियर। और ये किसके साथ लगा हुआ है दोस्तों, ये दोस्तों बॉडी के साथ और थोराक्स के साथ लगा हुआ है। ये जैसे कि आप नेक, आप समझ लीजिए इंसान में हमारा हेड जो है हमारे नेक के साथ लगा हुआ होता है ओके। हमारा जो हेड इंसान का क्या होता है, ये दोस्तों मुंह होता है, ये दोस्तों नेक होता है और इसी नेक के साथ हमारा टोटल बॉडी मतलब लगा हुआ होता है। तो इसको हम जैसे ही जो बोलते हैं इसको हम ऑसिपिटल नेक बोलते हैं और ऑसिपिटल नोड। अब इसको हम जैसे ही नेक बोलते हैं ना ट्राइलोबाइड का दोस्तों, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं ऑसिपिटल नोड, नोड ओ सी सी ऑसिपिटल, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, पिटल नोड। कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों, जो थोराक्स उसका जो सेफेलन के साथ ऑसिपिटल नोड के द्वारा कनेक्टेड है ओके। दी सेफेलन, सेफेलन इज कनेक्टेड विथ, कनेक्शन विथ दी बॉडी और थोराक्स, थोराक्स ये यूज करना वर्ड थोराक्स, बाय द ऑसिपिटल नोड, बाय द ऑसिपिटल नोड। और ऑसिपिटल नेक भी इसको बोलते हैं क्योंकि ये नेक जैसा ही हमारा इंसान का जैसे नेक होता है इसका ऐसे ही नोड बोला जाता है ओके दोस्तों। तो ऑसिपिटल नोड क्या है आप समझ में आ गया ओके। देन फिर से हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑसिपिटल नोड के बाद आपको और एक चीज बताना था दोस्तों, कहां पे अभी ये देखिए उसका मतलब कि सेफालन वाला पार्ट, सेफालन वाला पार्ट में इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों ग्लाबेला,
ग्लाबेला। ओके, इस ग्लाबेला के साथ क्या होता है, आपका जो मतलब कि मुंह में दो चीज होते हैं लेटरल पार्ट में, ये यहाँ पे एक चीक्स होता है और ये वाला एक लेफ्ट पे भी चीक्स होता है, राइट पे भी चीक्स होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है दोस्तों, एक सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल के साइड पे जो भी होता है चीक्स उसको बोला जाता है ट्राइलोबाइट का। ओके, तो चीक्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट को हम चीक्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीक्स होते हैं जो कि बहुत ही मतलब कि फिक्स रहते हैं। आप ये वाले पोर्शन को देख सकते हैं, ये भी ये हमारा क्या हो गया ग्लाबेला। लेकिन ये वाला पार्ट ये दोस्तों फिक्स है, ये मूवमेंट नहीं करते हैं। ओके, लेकिन ये वाला पार्ट दोस्तों आपको मूवमेंट करेंगे। ओके, तो ये मूवमेंट ना करने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स चीक्स, फिक्स CHEK, फिक्स चीक्स और फिक्सी जेना। ओके, और ये दोस्तों क्या है कि ये फ्री मूवमेंट करता है, तो फ्री होने के कारण बोथ दिस डायरेक्शन में ये और इसको हम क्या बोलते हैं, लिब्रिजेना और जेना कुछ भी। ओके, तो जो सेंट्रल पार्ट है किसका, सेफेलोन का, इसको हम ग्लाबेला बोलते हैं। ग्लाबेला का साइड में जो लेटरल पार्ट में है उसको हम चीक्स बोलते हैं। चीक्स का एंड कहां पे होता है दोस्तों, एंटीरियर मार्जिन पे, या एंटीरियर मार्जिन, इसके आगे चीक्स नहीं होता है, यहां तक चीक्स होता है। चीक्स डिवाइड इनटू टू टाइप, एक होता है मूवेबल चीक्स, दूसरा होता है अनमूवेबल चीक्स। अनमूवेबल चीक्स को हम क्या बोलते हैं, फिक्सिगेना, और मूवेबल चीक्स को हम क्या बोलते हैं, लिब्रिजेना। ओके, तो आप भी यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि इंसान में भी कुछ चीक्स होते हैं जो कि मूव करते हैं, जैसे कि आप मतलब मुंह के पास जो चीक्स रहता है, आप खाते हो, पीते हो, बोलते हो, हंसते हो, उस टाइम दोस्तों ये उसका मसल काम करता है, मूव करता है। लेकिन आंखों के नीचे जो चीक्स रहता है, आंखों के नीचे जितना भी पोर्शन है, ये इंसान है, ये इंसान का ये आंख है। ओके ओके, ये उसका मुंह है, ये देखिए, ये वाला पार्ट आपका बहुत हिलता है, लेकिन यहां से यहां तक कभी हिलता है क्या, बहुत ही कम होता है। तो ये हमारा फिक्स है और ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, मूवेबल है। तो यही है दोस्तों, ट्राइलोबाइट में भी ऐसा ही है, तो उसका भी चीक्स कुछ मूवमेंट करता है और कुछ अनमूवेबल है, जिसको कि हम फिक्सिजना और लिब्रिजना के नाम पे जानते हैं। ओके, और दूसरा एक पार्ट है दोस्तों कि जो फिक्स चीक्स है, फिक्स चीक्स कौन सा है दोस्तों, यही वाला पार्ट फिक्स चीक्स प्लस उसका क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाबेला, और ये भी फिक्स चीक्स तो है। ये टोटल तीनों को कंबाइन करते हैं, फिक्स चीक्स प्लस ग्लाबेला, ये क्या है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं हम, फिक्स चीक्स प्लस ग्लाबेला को क्रानिडियम। ओके, क्रानिडियम उसको बोलते हैं दोस्तों, फिक्स चीक्स प्लस ग्लाबेला को, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको ग्लाबेला हो गया, चीक्स हो गया, फिक्स चीक्स, फ्री चीक्स हो गया। ओके, फिक्स चीक्स प्लस ग्लाबेला कॉन्स्टिट्यूट क्रानिडियम, इन्हें सेफेलोन। तो उसके बाद आपको जानना है दोस्तों जेनल एंगल क्या है। जेनल एंगल डेफिनेटली एक मतलब कि जेनल एंगल क्या है दोस्तों, जहां पे एंटेरियर मार्जिन और पोस्टेरियर मार्जिन जॉइंट होते हैं, एंटेरियर लेटरल मार्जिन प्लस पोस्टेरियर मार्जिन क्या ये बनाते हैं दोस्तों जेनल एंगल। आप देख सकते हैं ये दोस्तों एंटेरियर है, एंटेरियर मार्जिन है, और इस साइड वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, साइड वाले पार्ट को एंटेरियर लेटरल मार्जिन, क्योंकि लेटरल पे भाग में है ना, ये सेंट्रल मार्जिन और ये एंटेरियर लेटरल मार्जिन। ओके, तो इसीलिए दोस्तों इसको और आपका ये पोस्टेरियर मार्जिन है, क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट है, यहां से पोस्टेरियर एंड हो जाता है, इसके बाद थोराक्स आ जाता है। तो ये पोस्टेरियर मार्जिन जहां पे खत्म मिलता है किसके साथ, एंटीरियर मार्जिन को, एंटीरियर लेटरल मार्जिन को, ये जो एक एंगल फॉर्मेशन कर रहा है ना, इसी को दोस्तों हम जेनल एंगल बोलते हैं, जेनल एंगल। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम के लिए याद रख लीजिएगा जेनल एंगल। कभी कभी ये एंगल दोस्तों बहुत ही मतलब एंटीरियर मार्जिन बहुत ही एक्सटेंडेड पार्ट हो जाता है, बहुत ही एक्सटेंड कर देता है। देखिए जैसे कि इस फिगर में, अब इस फिगर में देख सकते हैं,
यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे एंड होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे एक्सटेंडेड हो गया है। तो इसको हम जनरल एंगल अभी नहीं बोलेंगे दोस्तों, जनरल स्पाइन बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल स्पाइन, GNS, जनरल स्पाइन। ओके, तो ऑसिपिटल आप नोड ये देखिए दोस्तों, ऑसिपिटल नोड अभी। ओके, उसके बाद फिक्सीजना। ओके, ये देखिए दोस्तों फिक्सीजना कौन सा है, ये वाला पार्ट जो फिक्स रहता है, और लिवरीजना जो थोड़ा anterior की तरफ होता है। ओके, anterior की तरफ होता है तो उसको हम ये बोलते हैं। ओके, देन उसके बाद आपको क्या देखना है दोस्तों, कि मतलब थोरासिक सेगमेंट, यहां पे देखिए ये छोटा छोटा भाग है, इसको दोस्तों ग्लाबेलर सेगमेंट बोलते हैं। ग्लाबेलर सेगमेंट, ये जो यहां पे एक डिवीजन है आपको नजर आ रहा होगा। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, फिर से दिखाता हूं। ओके, ये देखिए आपको यहां पे डिवीजन नजर आ रहा, ये ये ये, इसको क्या बोलेंगे हम दोस्तों, ग्लाबेलर सेगमेंट। ओके, ये जो डिवीजन को ग्लाबेलर सेगमेंट, ग्लाबेलर सेगमेंट। ओके, तो जैसे कि यहां पे ग्लाबेलर सेगमेंट है, तो यहां पे अगर थोराक्स रहता, थोराक्स में तो बहुत सारे डिवीजन आपने देखा है, क्योंकि एक सेंट्रल लोब में यहां पे, यहां पे, यहां पे, तो थोराक्स में भी बहुत सारे डिवीजन है, उसको हम थोरासिक सेगमेंट बोलते हैं दोस्तों। ओके, तो थोरासिक सेगमेंट, तो ओके, ग्लाबेलर के आसपास आई भी रहता है दोस्तों। ओके, तो ट्राइलोबाइट में, बहुत सारे ट्राइलोबाइट में तो आई मिलता नहीं है, लेकिन बहुत सारे ट्राइलोबाइट में आई मिलता है। तो जो पहले वाले ट्राइलोबाइट थे, जो कि लोअर कैम्ब्रियन का ट्राइलोबाइट थे ना, उनमें जनरली आई प्रेजेंट नहीं था। ओके, उसके बाद इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, इवोल्यूशन के वजह से ऑर्डोविशियन में जितने सारे ट्राइलोबाइट हमें मिले, तो उनका बहुत ही आई अच्छे से डेवलप हुआ था। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या इंडिकेट, एनवायरमेंटल इंडिकेशन क्या मिल रहा है दोस्तों, जो भी आईलेस होंगे, जिनका आंखें नहीं होंगे, जिन ट्राइलोबाइट का, वो ओल्डर फॉसिल होंगे। ओके, द फॉसिल व्हिच डोंट पोजेस एनी टाइप ऑफ आई इन ट्राइलोबाइट फैमिली, देन दे आर द ओल्डर ट्राइलोबाइट। ओके, ऑर्डोविशियन में आंखें आ गया था दोस्तों, तो उसके बाद यही था दोस्तों उसका जस्ट बेसिक। ओके, देन आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको और एक बात बताना चाहूंगा, कि ये जो लेटरल पार्ट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टर हो गया है। ओके, ये जो दोस्तों आपका थोरासिक पार्ट हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये थोरासिक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट, जैसे कि ग्लाबेलर सेगमेंट यहाँ पे देखते थे, एक दो तीन ग्लाबेलर सेगमेंट यहाँ पे देख रहे थे, इसको हम दोस्तों क्या बोलेंगे, थोरासिक सेगमेंट। ये हमारा थोरासिक सेगमेंट है, ये हमारा थोरासिक सेगमेंट है। ओके, आप मतलब यहाँ से इजिली कैलकुलेट कर सकते, ये दो तीन, ये दोस्तों हम क्या बोलते हैं इसको, थोरासिक सेगमेंट, सेगमेंट। ओके, देन हम नेक्स्ट यहां पे देखिए थोराक्स पे तीन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल पार्ट, और इसको बोलते हैं हम सेंट्रल लोब, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल लोब, और ये साइड वाले को क्या बोलते हैं, लेटरल लोब। तो दिस टू साइड्स को हम क्या बोलते हैं, लेटरल लोब, लेटरल लोब, और जो सेंट्रल वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सेंट्रल लोब, सेंट्रल लोब। ओके, इसका दोस्तों एक अलग भी नाम है, इसका क्या है, एक अलग भी नाम है, उसको प्लूराई लोब भी बोला जाता है दोस्तों, प्लूराई लोब। ओके, इसको भी प्लूराई लोब, ये दोस्तों वही सेंट्रल लोब है। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। जब भी आप प्लूराई लोब पे यहां पे देखेंगे, एक दोस्तों एक एंगुलर करके ये आपको दिख रहा है, इसी एंगल को दोस्तों प्लूराई एंगल आपको मतलब बोला जाता है। ओके, तो प्लूराई एंगल आपको समझ में आ गया, प्लूराई लोब पे जो एंगुलर करके लोब में डेवलप हो रहा है, उसको हम प्लूराई एंगल बोलते हैं। ओके, तो ये देखिए यहां पे आप जनरल स्पाइन देख सकते हैं, ये यहां पे जनरल स्पाइन, अगर यहां तक होता तो जनरल एंगल उसको बोलते हैं, इसको अगर थोड़ा सा बढ़ गया है तो इसको हम जनरल स्पाइन बोल के बोलते हैं। उसके बाद और एक चीज है दोस्तों, आपको बताया नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, सुचर और फेसियल सुचर, फेसियल सुचर। फेसियल सुचर क्या है दोस्तों, आप कभी ना कभी हंसे होंगे, कभी ना कभी माउथ को घुमाए होंगे, जब भी कभी आप हंसते हैं, वहां पे एक मतलब कि फेसियल इंप्रेशन आ जाता है,
जैसे कि यहाँ पे कुछ डिंपल हो गया, यहाँ पे आंखें, यहाँ पे इंसान है, यहाँ पे वो हंसता है, तो यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा गड्ढा हो जाता है। इसी को मतलब कि हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फेशियल सुचर, दीज आर दी लाइन ब्रेक्स इन द फेस, लाइन ब्रेक इन द फेस। दोस्तों जैसे कि इंसानों में डिफरेंट डिफरेंट फेशियल सुचर डिफरेंट इंसानों में पाए जाते हैं, तो डेफिनेटली ट्राइलोबाइट के भी बहुत सारे फेशियल सुचर डिफरेंट ट्राइलोबाइट सो डिफरेंट डिफरेंट फेशियल सुचर और फेशियल लाइन ब्रेक इन देयर सेफालन। ओके, तो इसी के वजह से हमें मतलब ट्राइलोबाइट को 5 भागों में हम डिवाइड कर चुके हैं। ओके, उनका फेशियल सुचर का अपियरेंस, किसका फेशियल सुचर एंटीरियर पे स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है पोस्टीरियर पे, किसी का फेशियल सुचर मतलब कि हेड पे स्टार्ट हो रहा है, हेड मतलब ग्लैबुला पे स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है जेनल एंगल पे, तो डिफरेंट डिफरेंट फेशियल सुचर डिफरेंट डिफरेंट ट्राइलोबाइट शो कर रहे हैं। तो इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ ट्राइलोबाइट को हम क्लासीफाई किए हैं सो दैट कि उनको समझने के लिए स्टडी करने के लिए बहुत ही आसान हो जाए। ओके दोस्तों, तो पहला ये जो है आपका ट्राइलोबाइट को हम क्लासीफाई करते हैं 5 भागों में। 5 भाग क्या क्या थे, एक था दोस्तों आपका ऑफिस्टोपारियन, देन दूसरा है, ये एक नंबर है, दो नंबर कौन सा वाला है, प्रोपारियन, तीन नंबर कौन सा होगा दोस्तों आपका, गोनाटोपारियन। ये एक एक करके हम स्टडी करने वाले, गोनाटोपारियन। ओके, चार वाला कौन सा होगा दोस्तों, हाइपोपारियन। पांच वाला कौन सा होगा दोस्तों, प्रोटोपारियन। ओके, तो आपको 5 टाइप के सुचर लाइन जनरली आपको ट्राइलोबाइट में देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये 5 जो सुचर लाइन है, हमें यहाँ इस सारे 5 सुचर लाइन को हम इजीली मतलब समझने के लिए कोशिश करते हैं। और के उससे पहले ये देख लीजिए उसका ग्लैबुला, फ्री चीक्स, आई, फेशियल सुचर देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये दोस्तों एक फेशियल सुचर, ये जस्ट लाइन ब्रेक्स है। ओके, ये कहाँ पे ही मिलता है दोस्तों, सेफालन पार्ट पे जनरली एंटेरियर से स्टार्ट होता है, पोस्टेरियर मार्जिन पे एंड होता है, लेकिन सबका ये अलग अलग दिखता है। तो क्या क्या कैसा कितना अलग है हमें अभी स्टडी करना है दोस्तों। ओके, ये फ्री चीक्स एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस देख सकते हैं, प्लूराई देख सकते हैं। ओके, ये छोटा छोटा ये सेगमेंट देख सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला हमारा क्या था दोस्तों, ऑफिस्टोपारियन कैसा है दोस्तों, ये जो सेफालन में स्टार्ट मिलता है जनरली सेफालन। ओके, ये दोस्तों आपका पोस्टेरियर मार्जिन या एंटेरियर मार्जिन। तो ऑफिस्टोपारियन ये में क्या होता है कि सुचर लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पोस्टेरियर मार्जिन बट एंड्स एट एंटेरियर मार्जिन। स्टार्ट फ्रॉम पोस्टेरियर मार्जिन, दिस इज द एंटेरियर मार्जिन, तो यहाँ पे दोस्तों एंड हो रहा है। ओके, इसका मतलब इस एक साइड यहाँ पे, दूसरा साइड यहाँ पे, दोस्तों ऐसे इसको हम ऑफिस्टोपारियन बोलते हैं दोस्तों। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम पोस्टेरियर मार्जिन एंड एंड्स इन एंटेरियर मार्जिन। ओके दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दूसरा भाग को देखते हैं, उसका नाम था क्या, प्रोपारियन में क्या होता था, प्रोपारियन में भी वही है दोस्तों, ये हमारा एंटेरियर मार्जिन है और ये हमारा पोस्टेरियर मार्जिन है। एंटेरियर मार्जिन में आप देख सकते हैं एक, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैबुला और ग्लैबुलर हेड, ये दोस्तों उसका सेगमेंट है। डेफिनेटली यहाँ पे जो सुचर लाइन है कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, यहाँ पे जो सुचर लाइन है वो स्टार्ट होता है यहाँ से दोस्तों, हेड से हमारा स्टार्ट होता है, लेकिन वो लेटरल मार्जिन, एंटेरियर लेटरल मार्जिन यही है ना, यही इसको हम एंटेरियर लेटरल मार्जिन बोलते हैं। इसी को यहाँ से तो स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड हो रहा है, देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, यही है दोस्तों। स्टार्ट कहाँ से हो गया, स्टार्ट फ्रॉम हेड को कौन सा, ग्लैबुला, एंड्स इन एंटेरियर लेटरल मार्जिन, दीज आर दी एंटेरियर लेटरल मार्जिन। तो ही था दोस्तों ऑफिस्टोपारियन, आपको शायद समझ में आ गया होगा, प्रोपारियन आपको समझ में आ गया होगा, देन
उसके बाद हम देखते हैं गोनाटोपारियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आ चुका है इसके, गोनाटोपारियन, गोनाटोपारियन क्या है दोस्तों। ओके ये देखिए हमारा कौन सा, हमारा फॉसिल आ गया। ओके फॉसिल में क्या है कि ये हमारा पोस्टेरियर मार्जिन, ये हमारा एंटीरियर मार्जिन, ये लेटरल मार्जिन, ये हमारा सेंट्रल मार्जिन, ये हमारा और एक लेटरल मार्जिन। ओके तो गोनाटोपारियन में क्या होता है, यहाँ पे भी वही सेम ओपिस्टोपारियन जैसा ही है, स्टार्टिंग कहाँ पे हो रहा है, हो रहा है ये एंटीरियर मार्जिन पे। ओके दिस फेशियल सुचर लाइन आर स्टार्ट फ्रॉम एंटीरियर बॉर्डर बट एंड्स हेयर एंड्स एट जेनल एंगल, एंटीरियर बॉर्डर पे स्टार्ट हो रहा है एंड्स एट जेनल एंगल, यहाँ पे कहाँ था पोस्टेरियर मार्जिन पे, लेकिन यहाँ पे क्या क्या हो रहा है जेनल एंगल पे ये एंड हो रहा है दोस्तों। तो गोनाटोपारियन का स्पेशियल सुचर लाइन कहाँ पे एंड होता है दोस्तों, जेनल एंगल पे। ओके स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आपका, एंटीरियर साइड पे, एंटीरियर मार्जिन पे। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ, स्टार्ट फ्रॉम एंटीरियर मार्जिन एंड एंड्स इन जनरल एंगल, जनरल एंगल। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हम क्या बोलते हैं इस फेशियल सुचर लाइन को, गोनाटोपारियन बोलते हैं दोस्तों। तो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल आप सेलिमिनी ले सकते हैं। ओके उसमें आपको ऐसा सुचर लाइन देखने के लिए मिल जाएगा। ओके उसके बाद और एक है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोपारियन, 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 और दूसरा है प्रोटोपारियन। तो हो गया टोटल पांच ना, प्रोटोपारियन। ओके इनमें दोनों सेम ही है, ये मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ये उसका पोस्टेरियर मार्जिन, ये उसका पोस्टेरियर मार्जिन, ये इसका एंटीरियर मार्जिन। ओके तो यहां पे जो फेशियल सुचर लाइन है दोस्तों, ये मार्जिनल टू दी सेफलिक सीड, मार्जिनल टू दी, दीज आर दी फेशियल सुचर लाइन एंड व्हिच आर मार्जिनल टू दी सुचर लाइन सेम। लेकिन हाइपोपारियन में क्या होता है कि आई एब्सेंट, आई एब्सेंट, यहां पे क्या रहता है दोस्तों प्रोटोपारियन में, आई प्रेजेंट, आई प्रेजेंट। ओके ये दो ही डिफरेंस है, नहीं तो आपको कुछ भी डिफरेंस आपको यहां पे नजर नहीं आएगा, हाइपोपारियन कौन सा है, प्रोटोपारियन कौन सा है। प्रोटोपारियन में क्या होता है कि आई प्रेजेंट है, ओके हाइपोपारियन में नो आई, यहां पे आपको आई नहीं मिलेगा। इसका मतलब यही है ना, हाइपोपारियन सबसे ओल्डेस्ट है क्योंकि आंख नहीं है। ओके पहले वाले जो मतलब कि ट्राइलोबाइट थे वहां पे उनका आई इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था, बाद में ऑर्डोविसियन टाइम में आपको अच्छे से आई देखने को मिल जाता था। ओके तो हाइपोपारियन में फेशियल सुचर मार्जिनल टू दी सेफालिक सील एंड यहां पे आई प्रेजेंट, प्रोटोपारियन जस्ट सेम बट आई इज एब्सेंट, सॉरी हाइपोपारियन में आई एब्सेंट रहता है एंड प्रोटोपारियन में आई प्रेजेंट रहता है। ओके तो दोस्तों चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं, तो अगर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं गोनाटोपारियन का कैसा, सेलिमनी, ओके उसके बाद ओलेनोलोस, ओके प्रोटोपारियन का क्या है कि ओलेनोलोस, ओलेनोलोस ये याद रख लीजिएगा दोस्तों, ओलेनोलोस है। देन आपको सेलिमनी गोनाटोपारियन का, तो आपको थोड़ा बुक से भी यहाँ पे आप जब नोट बना रहे हैं यहाँ पे दो चार एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा आप अमूलदास गुप्ता से। ओके सब कुछ वहीं का ही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आई मिलता है कहाँ पे, आपका सेफालन पे, सुचर लाइन खत्म हो गया, अभी हम आई पे डिस्कशन करते हैं। उनका आई जो है दोस्तों बहुत ही कंपाउंड आई होता है, मतलब कि वो फ्री चिक्स के आसपास रहते हैं। ओके और वहाँ पे क्या होता है कि ये जो मिडिल पोर्शन ऑफ जो थोराक्स, थोराक्स कौन सा थोराक्स है, ये वाला पार्ट, मतलब कि ये वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, थोरासिक, ये दोस्तों सेगमेंट। ओके जो कि हमारा सेफल सॉरी ट्राइलोबाइड को बीच से आपको बायलेटरल सिमेट्री में कट करता है। ओके इनमें क्या होता है कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है किसका, थोरासिक सेगमेंट का दोस्तों, इनिशियली थोरासिक सेगमेंट बहुत ही कम मिलते थे, सॉरी बहुत ही ज्यादा मिलते थे, उसके बाद उनके बीच में बहुत ही हाईली फ्यूज हो गया दोस्तों। फ्यूज का मतलब यही है, जैसे कि आप बचपन में आपका 306 टाइप हड्डियां रहते हैं, तो आपका जो बोन जब भी आप छोटे थे तो आपका बहुत सारे बोन रहते हैं, उसके बाद आपके बोन में बहुत ही फ्यूजन हो गया, उसके लिए आपका बोन के जो अमाउंट है बहुत ही घट गया,
मतलब हड्डियां जितना बड़े होंगे तो घट जाता है। तो इसके लिए जो भी ट्राइलोबाइट लोअर कैम्ब्रियन पे अवेलेबल थे जब वो ऑर्डोविसियन के तरफ मूवमेंट करने गए तो वहां पे आपका जो थोरासिक सेगमेंट का बहुत सारे फ्यूजन हो गया। तो आपको इनिशियली जो ट्राइलोबाइट मिलते थे तो वहां पे 30-40-50 तक थोरासिक सेगमेंट मिलते थे, लेकिन जब आप ऑर्डोविसियन डिवोनियन कार्बोनिफेरस के टाइम पे जो आप देखेंगे ट्राइलोबाइट, उनमें दोस्तों थोरासिक सेगमेंट का जो परसेंटेज है बहुत ही घट जाता है। ओके, तो यही था दोस्तों आपका टोटल मॉर्फोलॉजी, जहां पे आपको मैं समझाने के लिए कोशिश किया पीजीडियम सॉरी थोराक्स क्या है, आई क्या है, देन सेफालोन क्या है, सेफालोन में ग्लाबेला फ्रीची देन जेनल एंगल जेनासाइज सब कुछ यहाँ पे बताया दोस्तों। और एक पार्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं, वो है पीजीडियम दोस्तों। पीजीडियम दोस्तों क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप का जो लोअर वाला पार्ट जो कि हमारा ये आपका हमारा हो गया सेफालोन, सेफालोन में ये आ गया आपका थोरासिक सेगमेंट, थोरासिक जो लो पार्ट में आपको लोअर पार्ट में आपको देखने को मिलेगा जो टेल पार्ट हम बोलते थे, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों पीजीडियम। ओके पीजीडियम, किसी किसी ट्राइलोबाइट का पीजीडियम नहीं मिलता है, उसको हम ए पीजीडियम ट्राइलोबाइट भी बोलते हैं, ए पी ए जी वाई डी आई यू, तो पीजीडियम ए पीजीडियम। और जो ओल्डर ट्राइलोबाइट होते थे उनका दोस्तों पीजीडियम प्रेजेंट इतना नहीं था, जो यंगर ट्राइलोबाइट जो कि ऑर्डोविसियन डिवोनियन सिलुरियन पे आपको देखने को मिल रहा है उनका दोस्तों पीजीडियम डेवलप हो चुका था। तो पीजीडियम का शेप कैसा है दोस्तों, थोड़ा ट्रायंगुलर लास्ट पार्ट में, मतलब ऐसा तो नहीं लेकिन ऐसा दोस्तों पीजीडियम रहता है, थोड़ा सेमी सर्कुलर ट्रायंगुलर शेप का दोस्तों रहता है। तो अभी हम देखेंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ओके ट्राइलोबाइट डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है दोस्तों, यू विल गेट ट्राइलोबाइट ओनली इन पालियोजोइक रॉक पालियोजोइक रॉक कहाँ पे मिलता है दोस्तों, हिमालय पे, अभी हिमालय। ओके हिमालय पे बहुत सारे ट्राइलोबाइट आपको अभी देखने को मिलेंगे, जब भी आप देहरादून के ऊपर आप क्लाइम करोगे तो बहुत सारे ट्राइलोबाइट देखने को मिलेगा। मैं बहुत टाइम वहाँ पे वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के साथ काम कर चुका हूँ, तो बहुत सारे हम पालियोजोइक फॉसिल वहाँ पे ढूंढते थे। तो डेफिनेटली आप भी अगर कभी लाइफ में फील्ड ट्रिप करोगे तो उस एरिया पे डेफिनेटली ये देखने को चांस मिल जाएगा, ट्राइलोबाइट देखने को तो चांस मिल जाएगा। ओके तो ये पालियोजोइक टाइम स्टार्टिंग कब से हुए थे, लोअर कैम्ब्रियन एंड कब हो गए थे, तो ये एंड हुए थे परमियन पे। तो ये पालियोजोइक का इंडेक्स फॉसिल है दोस्तों, दिस इज द इंडेक्स फॉसिल। आप कहीं पे भी अगर ट्राइलोबाइट देख रहे हैं तो डेफिनेटली उस एरिया के रॉक टाइप को आप बोल सकते हैं कि ये एरिया पालियोजोइक टाइम का है। ओके तो दिस इज ए गुड इंडेक्स फॉसिल। ओके गुड इंडेक्स फॉसिल। एंड इसका जो पीक डेवलपमेंट हुआ था, इसका जो आक्मे जोन पालियोजोइक में ट्राइलोबाइट का जो आक्मे हुआ था, आक्मे जोन मतलब हाईएस्ट डेवलपमेंट हुआ था, कौन सा टाइम पे, ओडोविसियन पे। ओके ओडोविसियन, तो पहले छोटे छोटे मिलते थे लोअर कैम्ब्रियन, ये आ गया, उसके बाद थोड़ा डेवलप होने लग गया उसके बाद बहुत पीक इंक्रीज होने लग गया इनकी, उसके बाद डिक्रीज होता है, किसी भी लाइफ का ऐसा ही होता है, उसके बाद डिक्रीज हो गया, ये हो गया लास्ट अपियरेंस। ओके लास्ट अपियरेंस, ये फास्ट अपियरेंस। ओके यहाँ पे इंक्रीज हो गया, यहाँ पे शार्पली इंक्रीज हो रहा है, ये दोस्तों आक्मे जोन, इसको इस एरिया को हम आक्मे जोन बोलते हैं। ये कौन सा टाइम था ट्राइलोबाइट का, ओडोविसियन। ओके तो ओडोविसियन टाइम में ये बहुत ही हाईली डेवलप हुआ था। ओके अभी हम देखेंगे बहुत सारे फॉसिल क्या क्या थे डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके ओलेनोस आपको मिल जाएंगे, ओलेनोस पैराडोक्साइड सैली मैनी, थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लेना दोस्तों, फाकोप्स बहुत सारे हैं। तो ये दो चार आपको एग्जांपल याद रखना है क्योंकि जो कॉमन है मैं उसके बारे में यहाँ पे आपको बताऊंगा। ओके लोअर कैम्ब्रियन इसका ये कैम्ब्रियन, मिडिल कैम्ब्रियन, ओके ओडोविसियन, सिलुरियन। ओके तो ओलेनोस का लोअर कैम्ब्रियन ये थोड़ा देख लेना, पैराडोक्साइड का, मिडिल कैम्ब्रियन, सेलिमेनी का, ओडोविसियन,
तो ऐसे ही उनका डेवलपमेंट बहुत हुआ है। तो हिमालयन अगर एरिया को स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली ये दो फॉसिल आपको बहुत सारे देखने को वहाँ पे मिल जाएंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ ट्राइलोबाइट, इवोल्यूशन कैसा था दोस्तों। इवोल्यूशन का मतलब दो टाइप का इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन ऑफ ट्राइलोबाइट दो टाइप कैसा, एक होता है स्ट्रक्चरल इवोल्यूशन, स्ट्रक्चरल इवोल्यूशन, दूसरा है क्या अडाप्टिव इवोल्यूशन, अडाप्टिव इवोल्यूशन। तो स्ट्रक्चरल इवोल्यूशन क्या होता है, बॉडी चेंज, यहाँ पे क्या होता है बॉडी चेंज, ओके यहाँ पे क्या होता है कि एनवायरमेंट की वजह से ये होता है जनरली, समझाता हूं। जैसे कि आप इसको हम समझते हैं अडाप्टिव इवोल्यूशन क्या है, जैसे कि आपका मतलब कि स्कूल लेवल था, स्कूल के बाद आपने आगे अपना ग्रेजुएशन करने, तो एक नया सा एनवायरमेंट हो गया, उसी एनवायरमेंट के साथ साथ आप बढ़ने लगे, क्योंकि स्कूल में जब आप मतलब कि दोस्त के साथ मिलते थे तो वहाँ पे बहुत ही देसी एटीट्यूड चलता था, क्या भाई क्या कर रहा है खाना, मतलब कि आपका देसी चल रहा था। जब भी आप यूनिवर्सिटी आ गए, ड्यू पे पढ़ने लग गए, तो ये समझ लो वहाँ पे इंग्लिश आ जाता है थोड़ा, मतलब कि जो भी मतलब कि आप जितने बड़े होते हैं उसी के साथ साथ, उसके एनवायरमेंट के साथ साथ आपको एडजस्ट करने के लिए उसी एनवायरमेंट के जैसा ही आपको बनना पड़ता है, जैसे कि व्हाट्सअप ड्यूड, मतलब कि समझ रहे हैं ना। तो यही है, इसको हम बोलते हैं अडाप्टिव इवोल्यूशन। ओके इंग्लिश बोलने लग जाते हैं बच्चे, ओके हिंदी मतलब हिंदी जिंदगी भर उनका हिंदी मीडियम में कटा है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा उनका ग्रेजुएशन आ जाता है, इंजीनियरिंग आ जाता है, वो डेफिनेटली उनका जो बात करने का शैली थोड़ा बहुत ही परिवर्तन हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अडाप्टिव इवोल्यूशन। तो यहाँ पे भी थोड़ा अडाप्टिव इवोल्यूशन होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल इवोल्यूशन बहुत हुआ है इस फॉसिल का, बहुत कम समय में बहुत सारे इवोल्यूशन। ओके तो यहाँ पे क्या क्या इवोल्यूशन हुआ था, हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कशन करते हैं। इवोल्यूशन क्या क्या हुआ था दोस्तों, चेंज इन ग्लाबेला, चेंज इन ग्लाबेला, ग्लाबेला जो कि मतलब कि कहाँ पे रहता है दोस्तों, ये सेफालन पे, ये इसको हम ग्लाबेला बोलते हैं। पहले जो ओल्डर ओल्डर सेफालन था उसमें दोस्तों, जो ग्लाबेला में जो सेगमेंट, इसको हम ग्लाबेलर सेगमेंट बोलते हैं, ये जो सेगमेंट हाई था, हाई अमाउंट ऑफ ग्लाबेलर सेगमेंट आर फाउंड इन द प्रिमिटिव ट्राइलोबाइट। बट लेटर ऑन जब थोड़ा टाइम पास करता गया, आप अगर आप सिलुरियन के ग्लाबेला को देखेंगे तो डेफिनेटली ग्लाबेलर जो सेगमेंट के जो अमाउंट थे वो घटने लग गए। यहाँ पे अगर 10 ग्लाबेलर सेगमेंट होता तो यहाँ पे 2 होने लगे, उसके बाद दोस्तों 0 हो गए। तो ग्लाबेलर सेगमेंट में, ग्लाबेलर साइज में बहुत सा परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ा इवोल्यूशन हुआ है। तो प्रिमिटिव फॉर्म में क्या होता है कि डिस्टिंक्ट आपको ग्लाबेला दिख जाएगा, ऐसे ही डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है ग्लाबेला सेगमेंट आर डिसअपियर। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस है दोस्तों, चेंज इन ग्लाबेला में, ग्लाबेला में सेगमेंट वेनिश होता गया। उसके बाद अगर इनिशियली जो ग्लाबेलर मतलब कि सेगमेंट आपको दिखता था ऐसे ऐसे डेवलप होते थे, ऐसे 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 पहले बहुत ही बड़ा होता था, उसके बाद छोटा था, एक ट्रायंगुलर शेप का ग्लाबेला आपको दिखने लगता था, लेकिन बाद में ऐसा ट्रायंगुलर और बना ही नहीं, जस्ट ऐसे ही हो गया दोस्तों। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा शेप का भी चेंजेस आ गया, ट्रायंगुलर था ऐसा शेप आपको दिखने लग गया। तो आप कभी भी अगर ट्रायंगुलर शेप ग्लाबेला देख रहे हैं तो आप वो डेफिनेटली ये पता चल जाएगा कि ये ओल्डर फॉसिल है, और ग्लाबेलर सेगमेंट बहुत सारे आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक ओल्डर फॉसिल है। जहाँ पे ग्लाबेलर सेगमेंट आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे तो ये यंगर है। तो आपको ये जैसा ही इंटरव्यू में पूछा जाएगा दोस्तों, ये बेसिक है। ओके उसके बाद चेंज इन आई, क्या होता था कि दो में जो आई, ओल्डर ट्राइलोबाइट नो आई, आपको आई नहीं देखने को मिलेगा ओल्डर ट्राइलोबाइट में, बट जो यंगर है, जो ऑर्डोविसियन सिलुरियन के बाद आपको मिल रहे हैं और उसी टाइम फॉर्मेशन हुए हैं यंगर ट्राइलोबाइट में क्या है कि दोस्तों आई प्रेजेंट। ओके तो ये ही बहुत बड़ा डिफरेंस है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि ओल्डर में क्या था और यंगर में क्या था। ओके उसके बाद दोस्तों थोराक्स में क्या होगा, पहले ओल्डर जो फॉसिल थे, ओल्डर और प्रिमिटिव जो फॉसिल थे जो कि लोअर कैम्ब्रियन पे आपको मिल रहे थे, ओके लोअर कैम्ब्रियन पे जो भी फॉसिल आपको मिल रहे थे उनका लार्ज नंबर ऑफ थोरासिक सेगमेंट,
सेगमेंट। बट टाइम जब बीतता गया तो थोरासिक सेगमेंट के अंदर फ्यूजन एक्टिविटी चलने लग गया। फ्यूजन के लिए दोस्तों थोरासिक सेगमेंट का जितना भी अमाउंट था वो डिक्रीज होता गया, तो डिक्रीज होते जो यंगर बन गया उनका लेस थोरासिक सेगमेंट मिला, लेस थोरासिक सेगमेंट। थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, सेगमेंट ओके, थोरासिक सेगमेंट। तो क्या हुआ कि आप किसी भी ट्राइलोबाइट को अगर ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली जो ओल्डर होगा उसका ग्रेटर अमाउंट ऑफ थोरैक्स रहेगा, जो यंगर होगा दोस्तों उनका लेस अमाउंट ऑफ थोरासिक सेगमेंट रहेगा। तो एरिया आप जा रहे हो तो एज डिटर्मिनेशन में मदद मिल जाएगा कि कौन सा ओल्डर है कौन सा यंगर है, और हमें पैलेंटोलॉजी पढ़ के तो इतना ही तो सीखना है। उसके बाद दोस्तों आपका चार तो आपको बता दिया क्या क्या कि थोरासिक चेंज ग्लैबुलर कैसा चेंज हो रहा है, उसके बाद आई कैसा चेंज हो रहा है, उसके बाद लास्ट पार्ट पिजीडियम जो दोस्तों ओल्डर फॉसिल होंगे ओल्डर ट्राइलोबाइट होंगे उनमें पिजीडियम नहीं था, नो पिजीडियम। ओके ये बोल चुका हूं। जब दोस्तों यंगर वन आएगा उसके पास पिजीडियम अच्छे से डेवलप हुआ होता है। ओके यस प्रेजेंट पिजीडियम प्रेजेंट। तो ये थोड़ा बहुत बड़ा चेंजेस है पिजीडियम पे। जो ओल्डर फॉसिल होंगे जो लोअर कैम्ब्रियन में मिल रहे थे तो उनका पिजीडियम नहीं था दोस्तों, लेकिन यंगर जो ट्राइलोबाइट आ गए तो उनमें दोस्तों पिजीडियम मिलने लग गया। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस है। ओके उसके बाद दोस्तों और एक हमारा क्या है कि अडाप्टिव, उनका अडाप्टिव मॉडिफिकेशन क्या क्या चेंजेस आ गया था। ओके अडाप्टिव इवोल्यूशन इसको बोलते हैं, अडाप्टिव इवोल्यूशन। अडाप्टिव इवोल्यूशन में क्या क्या है दोस्तों, मेनली ये सेल एनवायरमेंट में रहता है, आर्जिलेसियस एनवायरमेंट में। ओके आर्जिलेसियस एनवायरमेंट में ये मिलता है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके उसके बाद ये जनरली बहुत ही बॉटम ड्वेलिंग एनिमल है, तो ये है उसका अडाप्टिव इवोल्यूशन, मतलब कि सेल मतलब कि समुंदर में। ओके मेराइन फुल्ली मेराइन आर्जिलेसियस सेडिमेंट एनवायरमेंट। ओके बॉटम ड्वेलिंग ये फॉसिल है, मतलब बॉटम को खुदाई करके ये रहता है दोस्तों। ओके आसपास तो यही था दोस्तों आपका ट्राइलोबाइट का टोटल। तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा आपको ऐड क्या करना है, बुक अमूलदास गुप्ता को पढ़ना है, उससे जो भी एक्स्ट्रा तो इतना कुछ नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा ओनली आपको कुछ फॉसिल के बारे में उसका एज के बारे में थोड़ा आगे जानना है और थोड़ा याद रखने का बात है। ये समझने के लिए यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं लेकिन जस्ट ट्रिक है इवोल्यूशन को मतलब समझ लीजिएगा तो डेफिनेटली आपका जीएसआई में और जियोलॉजिकल एनी इंटरव्यू में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये चार इंटरव्यू जैसे कि चेंजिंग पिजीडियम क्या क्या हुआ था, लोअर ओल्डर पिजीडियम कैसा था, यंगर पिजीडियम कैसा था। ओके थोरासिक में क्या क्या चेंजेस आया, ग्लैबुलर में क्या क्या चेंजेस आया। ओके ये आप सीख सकते हैं दोस्तों। ओके तो उसके बाद और एक चीज की मतलब कि यहाँ पे आपको डेली मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि ये डेली थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसको याद रख सकते हैं। तो होप कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके और आपका एग्जाम भी नज़दीक होने वाला है तो डेफिनेटली उसके लिए आपको ये चाहिए ही चाहिए। तो मैं मेरा टॉपिक को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट फिर से और एक वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट दूसरा टॉपिक पे। ओके थैंक यू।